टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं हूं फिरोज हाशमी, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा में आज कलवा मुमरा के आमदार व महाराष्ट्र के गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र अहवाट के हाथों हजरत फखरुद्दीन साहबाबा का द्वार ब्यूटिफिकेशन का उद्घाटन किया गया और दूसरी तरफ वहीं 10 लाख लीटर पानी की टंकी और सन पंप का उद्घाटन भी किया गया। इसी तरह से 50 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए, दरगाह रोड पर एलईडी लाइट पोल लगाए गए। कुल मिलाकर दरगाह रोड की अब तस्वीर बदल दी है विरोधी पक्ष नेता सानू पठान ने। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप देखें किस तरह की अब तस्वीरें दरगाह रोड पर नजर आ रही हैं। इस 12 अलग अलग कामों की उद्घाटन करने के बाद मंत्री जितेंद्र अहवाट ने विरोधियों से लेते हुए यूपी चुनाव तक बात की, किस तरह से मुमरा कौसा के राजनीतिक लोगों पर टिप्पणी और मुमरा कौसा के कामों को गिनाया, हमारी इस खबर में आप सुनेंगे। इस मौके पर सैयद अली भाई साहब कलवा मुमरा के अध्यक्ष व परिवहन सदस्य शमीम खान व सभी नगर सेवक तमाम कार्यकर्ता इस प्रोग्राम में इस उद्घाटन समारोह में मौजूद रहे। क्या होगा क्या नहीं होगा ये उत्तर प्रदेश का चुनाव तय करेगा। मैं किसको वोट दूं ये नहीं कह रहा, लेकिन बीजेपी हारनी चाहिए ये काम उत्तर प्रदेश में आप चाहते हो जैसा कर रहे हैं। और दूसरी चीज ये कह रहा हूं, मैं खुद यूपी जाने वाला हूं, बस्ती जाने वाला हूँ, हमारे एक उम्मीदवार बुलंदशहर से खड़े हैं वहां जाने वाला हूँ, लेकिन कुछ लोग बीजेपी की सुपारी लेकर उत्तर प्रदेश में खड़े हैं ताकि अकलियतों के वोट में बंटवारा हो जाए। जरा उन लोगों से शाह है, जरा थोड़ी सी अक्कल चला के वोट किसको देना चाहिए ये आप तय कीजिए। जज्बा इसको राजनीति नहीं होती, तुम्हारे में बंटवारा होगा तो जीतेगा वो, नुकसान किसका होगा आपका होगा हमारा होगा इस देश का। यह चुनाव इस देश का भविष्य तय करने वाली है, यह उत्तर प्रदेश का चुनाव यह बताने वाला है कि 2024 में दिल्ली में कौन बैठेगा। तो ये सोच के चलो कि तुम जो करोगे उस पे आगे का भविष्य लिखा जाएगा। अगर भविष्य बिगाड़ना चाहते हो तो जो सही मानों में कौम के दुश्मन है और जहां के वहां खड़े हैं उनको पूरी मिट्टी में लिपट डालो और बीजेपी को बीजेपी का सफाया कर डालो। और इसके लिए आज से ही बिल्कुल मेरा भाषण खत्म होते ही व्हाट्सएप का इस्तेमाल करके ये भाषण पूरे यूपी में भेज दो। मंच पे मौजूद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शमीम खान साहब, इस शहर के महानगर पालिका में हमारे विरोधी पक्ष नेता शानू पठान साहब, हमारे बड़े भाई सैयद अली भाई साहब, बाकी फरजाना अश्रीन का तो मैंने बहुत बार नाम लिया है, जफर दुमानी, सतपुतरे मोरेश केनी, रूपानी गोटे, सब एनसीपी के जमाने हुए कॉर्पोरेटर्स। और मुझे पता नहीं था कि आज इतनी आवाम आने वाली है, लेकिन इतनी आवाम है तो फिर जितेंद्र अहवाट भी बात करने में रुक नहीं सकता। लोगों तक अपनी बात पहुंचानी चाहिए, ये मेरा फर्ज है। शानू ये भूल गया कि जब शानू को पहली बार टिकट दिया गया था तब इसी रास्ते पे मन से हमने कहा था कि ये एरिया पूरा सुधार देंगे, कह के
10 साल हो गए, लेकिन जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। मुमरा में कोई भी गति इतनी बड़ी नहीं है, यानी सबसे अंदर जाने को मन नहीं करता था, इतनी भीड़ हुआ करती थी। आज उस नाले को कवर कर दिया गया है, हॉकर्स को वहां शिफ्ट कर दिया जाएगा, हमारी बहनों को चलने में तकलीफ नहीं होगी। अभी अभी शाहरुख खान ने एक और एक काम का उद्घाटन किया, वो खड़ी रोशन रोड पे 10-15 झोपड़ियां हुआ करती थी, पूरा रास्ता घेर लेती थी, और उसमें क्या काम चलता था मुझे नहीं पता था। लेकिन जब मैंने मालूम ली तब मुझे बताया गया कि वहां पे कोकीन, चरस, आफू, गांजा सब मिलता था, और वहां पे मस्त लगाते बैठे थे। हमारे एक इंजीनियर है भूषण, वो 24 घंटे में पूरा साथ था, बॉडी को घुसूर करता था, सब जो क्रियाकर्म होते थे वो करता था, और आखिर में उसके ऊपर मिट्टी डाल के उसको दफना देता था। ऊपर वाला सब देखता है यार, सब देखता है। इस्लाम में यही कहा गया है कि आखिरियत में क्या बचेगा, तो सिर्फ कब्रिस्तान। और जब तक ये कब्रिस्तान रहेगा, मुमरा रहेगा, तब तक ये कब्रिस्तान जितेंद्र और उसके टीम ने लाया वो हमेशा याद रहेगा। आने वाले सब चीजें खुल जाएंगी, सब उठा के फेंक दी जाएगी, लेकिन कब्रिस्तान को कोई उठा के फेंक नहीं सकता। स्टेशन बन गया, बसेस बन गई, अब एक रास्ता शुरू हो जाएगा वाई जंक्शन के यहाँ से, तो आपको सीधा रिपोर्ट भी लेके जाएगा। बहुत सारे काम हो रहे, लाइब्रेरी बन रही है, एमएम वाले के इधर एक लाइब्रेरी बन रही है, प्रभाग समिति के बाजू में 5,000 स्क्वायर फीट की लाइब्रेरी बना रहा है, तीन माले में काम हो रहा है। हर आदमी जो एनसीपी है उसकी सोच सिर्फ डेवलपमेंट की होती है, लड़ाई होती है तो सिर्फ डेवलपमेंट की होती है। और मैं आज इस दिन पर एक आदमी को भूल नहीं सकता, उसका नाम है संजीव जायसवाल। मेरी बात लड़ाई होती थी उससे पहले, वो मुझे बहुत डराता था, लेकिन मैंने उसको कहा भाई क्यों डरा रहे हो, कि भाई ऊपर मोदी का शासन है, नीचे देवेंद्र फडणवीस है, तो मैं मर जाऊंगा। मैंने बोला यार मेरी मौत तुम कैसे मारे को, मैं ऊपर वाला नीचे ना भाई, एक साल तो हमारी बहुत लड़ाई चली, लेकिन उसके बाद जब हमने हाथ मिलाया, मुझे मेरा सैल्यूट है वो आदमी को, कि मैंने पैसा मांगा तो उसने कभी 5 रुपया कम नहीं किया पर्चा लेके जाए, और ऐसा करके मुंद्रा में करोड़ों रुपये लाए, करोड़ों रुपये। ये जो रास्ता बना है, ये सब बना है, ये उसी की देन, उस जायसवाल की देन। ये मैदान में स्टेडियम पास किया था, जो अभी शायद इन इन ये जो शाहरुख के दुश्मन है म्यूनसिपैलिटी में बैठे हुए, उन्होंने रोका दिया। तुम किसी को रोक नहीं सकते, क्योंकि भगाने वाला अल्लाह रहता है, पैर तेज भगाने वाला अल्लाह रहता है, तुम कुछ नहीं कर सकते। अगर इंसान इतनी 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 ताकत रहती तो हर शैतान इंसान को मरवा देता। तो ये शैतानी का काम जो चलता है, चलने दो शाम, हमको इन दुआओं का काम करना है। ये क्या लग रहा है, अमृत नगर, अमृत नगर के आवाम के लोग यहाँ बैठे हैं, फतेह शाह बाबा का रोड है। ये कभी आपने सोचा था ये रास्ता इतना बड़ा बन जाएगा, सच बोलो, जरा जोर से बोलो, सोचा था? जो घर में बैठ के 1,000-2,000-3,000 रुपया कमाते हैं, कम कर लो यार, यानी वो बैठेंगे बस, और उनका कोई पंटर आएगा गुलाब पार्क में
और रात का हिसाब लेके जाएगा। अरे क्या हम उसके लिए बैठे थे इस शहर में? यानी ये बेचारा हमारा यहाँ का आदमी दिन के सुबह उठता है, गाड़ी पकड़ता है, प्रॉफिट मार्केट जाता है, मेहनत करके घर पे आता है 8 बजे 9 बजे और अपना घर चलाता है, और ये नशे की गुंडगिरी चाकू के जोर पे 5-5, 6-6 गाड़ियां लगा देते हैं, उससे रास्ता जला देते हो और तुम उसका समर्थन करते हो। अरे तुमने हमारे खिलाफ भी बात कर दी, मेरे खिलाफ दुनिया बात करे नजर, मेरे को कभी उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हम ईमानदारी के रास्ते पे हॉटल्स प्लाजा बना रहे हैं और उसके बाद हम एक भी हॉकर को इस रास्ते पे बैठने नहीं देंगे, क्योंकि हमको जैसी आपके घर में खाना पकना चाहिए इसकी चिंता है, वैसे ही हमें आवाम की चिंता है जो हमें गालियां देती है कि स्टेशन से कोसा जाने के लिए अगर ये ना रहे तो 10 मिनट में पहुंच सकते 10 मिनट में, लेकिन तुम्हारी 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन की वजह से घर पहुंचने में 1 घंटा लगता, और ये अनुभव है ना अनुभव यहाँ पे खड़ा है गाड़ी वाला, जरा भी ट्रैफिक खराब हो गया तो भेज देता है राजा अनुभव साहब, पूछा पूछा उसको, ऐसा नहीं है कि लोग हमको पहुंचते नहीं, लेकिन गरीबों का घर चलना चाहिए, उनके ऊपर मुसीबत नहीं आनी चाहिए, इसलिए हम सहन करके लोग हमें टोकते भी है तो कहते हैं चल छोड़ दे पड़े नहीं पड़े, लेकिन अब जल्द हॉकर्स प्लाजा बनेगा और आपको वहां जाना पड़ेगा, तब उस्मान टकलिया अजीम कंगी किसका नहीं सुन रहे, ये टकलिया कंगी थावड़ा सब अपने अपने घर में भेज दो, उनके ऊपर शहर नहीं चलता। जब ये नशे की दुकानें थी ना वो कड़ी नशे मशीन रोड पे जब तोड़ी गई तब बहुत बातें की गई थी किसानों को देख लेंगे टपका डालेंगे, टपकाने का जमाना चला गया, अब लोग सिर्फ काम देखते हैं और वो काम करने वाले इंसान के पीछे ये जरा जमा देखो या आवाम देखो इतनी दुआएं देती है बदलो, मुमरा बदलेगा, मुमरा बदल रहा है,